सो फाइनली कामिनी ने जवाब दे दिया है कि वो किसकी शादी में गई है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि अपनी भाई की शादी, अभी तो इनके बड़े भाई की शादी हुई थी, छोटे वाले की शादी, वो तो छोटा है, वो तो छोटा है, उसकी शादी कैसे हो रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें अज्यूम कर रहे थे कि काम के डर से तो नहीं भाग गई, लड़ाई करके तो नहीं भाग गई मायके, शादी का बहाना बना गई, किसी भी दूर के रिश्तेदार की शादी में चली गई, तो इस तरीके के लोग जो बातें कर रहे थे। फाइनली उन सारे लोगों का कामिनी जवाब लेके आई अपने वीडियो में और उन सारे लोगों को बताया उसने। वेलकम बैक टू माई चैनल अंकिता ट्रुथ रिएक्शंस। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स के ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शंस लेकर आते रहते हैं। आप सब मेरे वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे मैं रिएक्शन दूं जिसके बारे में मुझे नहीं पता है और आप इंटरेस्ट रखते हैं उसके बारे में जानना, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो लेकर आऊंगी। माफ करना, काफी ज्यादा गर्मी हो गई है, मैंने एसी ऑन नहीं करा है, मैंने पंखा ऑन नहीं करा है क्योंकि वीडियो बनाते टाइम बहुत ज्यादा आवाज होता है और मुझे पसीने ही पसीने हो रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मार्च एंड हो चुका है, अप्रैल स्टार्ट और गर्मी काफी ज्यादा है। हमने एसी चला के सोना स्टार्ट कर दिया है। आप बताओगे आपने भी स्टार्ट कर दिया एसी चला के सोना? ओके कामिनी ने बताया उन सारे लोगों के लिए जो इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि आप किसकी शादी में गई हैं, कहीं आप काम के डर से तो नहीं भाग गई। तो कामिनी ने आज आके बहुत ही काम, बहुत ही कूल होके उन सारे हेटर्स को जवाब दिया, बड़े प्यार से, बड़े हंसते हुए, बिना किसी गुस्से में, कि मैं, हमारे जो पापा हैं वो 6 भाई हैं और 6 भाई भी हम लोग सब एक जैसे ही रहते हैं। अगर किसी का कोई छोटा सा भी फंक्शन हो तो हम मिलजुल के उसमें जाते हैं। ऑब्वियसली फैमिली है, अगर आसपास रह रही है तो लोग जाते ही जाते हैं किसी फंक्शन में। तो जो ये शादी हो रही है वो कामिनी के चाचा के बेटे की शादी हो रही है ना, हाँ, जो दूसरे भाई हैं उनके पापा के, उनके बेटे की शादी हो रही है। तो या उनके घर में शादी हो या उनके चाचा के घर में शादी हो, बात एक ही है, तो वो उसी की शादी में आई है। कामिनी ने इशारों इशारों में ये बातें भी बोल दी कि कुछ लोग इतने दूर के रिश्ते निभा रहे हैं, यानी कि जो साड़ियां निकाली जा रही है ना देने के लिए, बहुत दूर के रिश्तेदार में, पता नहीं मामा की, पता नहीं क्या क्या, तो ये तो फिर भी इसके चाचा का लड़का है, तो ये बेचारी को तो आना ही था यहाँ पे। और कुछ लोगों के खरवास में शादी होने के भी सवाल, मतलब ये सारी चीजों से उसको गलत प्रूफ किया जा रहा था। एक तो खरवास चल रहा, शादी नहीं होती, और तुम पता नहीं किसके शादी में गई हो, दूर की शादी में। तो उन्होंने बोला कि हर बिहार में ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की चीजें मानी जाती है, लाइक ये वाला जो खरवास है ना, होली के बाद जो बिहार में होता है ना, होली के बाद अगर वो खरवास, तो उसको कोई लगनी खरवास टाइप कहते हैं, जिसमें वो अशुभ नहीं होता, उसमें सारे काम होते हैं, शादी भी होती है, गृह प्रवेश भी होगा, मुंडन भी होगा, सब कुछ होता है उस वाले खरवास में। यानी उनका कहने का पर्टिकुलर मतलब था कि होली के बाद वाला अगर खरवास पड़े तो वो अशुभ नहीं होता, वो शुभ होता है, होली मन गया रहता है, तो इसलिए वो लोग इसमें शादी कर रहे हैं और यहाँ इसमें शादी होती है ना। तो हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज है, हर जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उन्होंने ये आके भी क्लियर करा कि खरवास में शादी क्यों हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, इतने शुभ चीजें हैं, इतनी शुभ शुभ की चीजें होती है, कोई भी यार पंडित को पोथी पत्रा वगैरह दिखा के ही कर रहा होगा, ऐसे थोड़ी कि चलो अपना मन से डेट डाल दिया और चलो कर लेते हैं शादी, नहीं, दिखाया होगा सारी चीजें, पंडित ने ही तय करी होगी तभी शादी हो रही है। और आप सब तो वीडियोस भी देख रहे हैं शादी और तिलक वगैरह के, तो ऑब्वियस सी बात है पंडित से बिना सलाह लिए कोई भी शादी मुंडन और इस तरह की चीजें नहीं होती है, उसके लिए मुहूर्तें निकलवाई जाती हैं जो कि पंडित ने निकाली। तो उधर जो देवरानी जी हैं वो बार बार बोल रहे एक नई शुरुआत, एक ये शुरुआत, एक वो शुरुआत, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा वो किस बात की शुरुआत कर रही है। मतलब सबसे पहली बात तो वो 1 घंटे की वीडियो लेके आई कामिनी, तो यहाँ 2 घंटे का वीडियो आया, उसके बाद भी उधर स्ट्रेस क्यों है और ये बंदी इतनी स्ट्रेस क्यों नहीं है। मतलब उसने बोला, कामिनी ने 1 घंटे की वीडियो में बोला भी, बोला सारी चीजें बोला, और तुम दूसरा वीडियो भी लेकर आई लेकिन फिर भी वो रिप्लाई देने नहीं आई। वो खुश है लेकिन फिर भी उनकी देवरानी जी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उनको ज्यादा हेट कमेंट्स आ गए हैं, उनको पता है कहीं ना कहीं कि वो गलत है, उनको पता है कि उन लोगों ने गलत किया है, इसीलिए शायद इतना ज्यादा दुखी है। और दुख मना के सिंपथी लेने की कोशिश की जा रही है जो ऑडियंस की ना, तो ऑडियंस आपको सिंपथी नहीं देगी। ऑडियंस को पता है भाई तुम किस बात की दुखी हो, तुमने तो सारी चीजें की, तुमने भी उसकी सारी माँ बहन की, उसने भी की, और तुमने तो 2 घंटे की वीडियो बना के की, तो इसमें किस बात की दुखी, किस बात की सिंपथी दिखाया जाए।
तो आप इस तरीके के दुख भरे जो वीडियोस हैं उनको डालना छोड़िए, और आप भी कामिनी को देख के कुछ रेगुलर चीजें सीखिए, कुछ अपनी लाइफ में रेगुलरिटी लाइए, कुछ पॉजिटिविटी लाइए, है ना। और बहुत दिनों बाद मेकअप किया, बहुत दिनों बाद ये किया, जो चीजें आप दिखा रही हैं इसकी जरूरत नहीं है। आप मेकअप कर सकती थी क्योंकि आपने भी अपने मन का भड़ास ऑलरेडी निकाल लिया है। तो आप चैन से मेकअप करिए, खुश रहिए, क्योंकि आप दोनों ही अलग हो चुके हैं। क्या इस बात का टेंशन है आपको कि किचन अलग ना हो? तो अगर जो दो लोग अलग अलग रह रहे हैं तो ऑब्वियसली बनाने खाने का भी तो अलग होना ही चाहिए ना। जैसे कि कामिनी ने बताया कि लोग यही चाह रहे, मैं ऊपर नीचे करूं, मेरा बच्चा दूध मांगे, पानी मांगे, खाना मांगे, बाकी लोग खाना देना हो तो क्या मैं नीचे ऊपर करूंगी? तो भाई उसके सुविधा के हिसाब से उसकी चीजें दो। अगर आपने अपनी मर्जी से उसको ऊपर भेजा तो उसको अपनी मर्जी से किचन भी अलग करके दो। तो जो ये हमारी सुंदरता की देवी और उनके हस्बैंड है ना, जो ये दिखावा करने की कोशिश करें कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, हम ऐसे नहीं कर पाए, हम अच्छे से होली नहीं मना पाए, तो भाई इसके पीछे का रीजन बताओ कि क्यों नहीं मना पाए? क्यों बार बार आप लोग एक ही बोल रहे हो कि ये सारी चीजें हो गई, क्या हो गई, कोई मातम बन गया, क्या हो गया? और बार बार यही सारी चीजें सुनाई जा रही हैं कि इस बार ऐसा हो गया, घर की इज्जत चली गई। घर की तो घर की इज्जत तो आपने भी बेच दी। आपने दोबारा बोला 2 घंटे के एपिसोड में, कामिनी दोबारा अपना वीडियो बना के रिप्लाई देने नहीं आई, उल्टा उसने प्रॉमिस कर लिया कि मैं ये सारी चीजें बोलूंगी ही नहीं, अब नहीं आऊंगी मैं बोलने। लेकिन आपने भी बोल दिया, आपने भी तो घर की इज्जत उतार ही दी। उसके बाद आप ही को टेंशन है, उसकी तो टेंशन है नहीं। तो फिर आपको किस बात की प्रॉब्लम है? इतना ज्यादा ब्लॉग्स में नेगेटिविटी क्यों दिखाई जा रही है? जानबूझ के चीजें दिखा के कामिनी को क्यों जलाई जा रही है कि मैं ये दे रही हूं, मैं ये दे रही हूं, मैं ये दूंगी? यही दिखाने की कोशिश हो रही है ना कि तुम्हारे यहाँ मेरा कोई नहीं गया, हम लोग के यहाँ से कोई नहीं गया, कोई कुछ नहीं देगा, लेकिन देखो मैं दूर की रिश्तेदार को भी इतना सब दे रही हूँ। तो इस तरह की जो हरकतें आप कर रही हैं मैडम, समझ सबको आ रहा है, हम लोग को भी समझ में आ रहा है, एज अ ऑडियंस हमें समझ में आ रहा है। तो जो आपकी जेठानी है वो बखूबी समझ रही है। अच्छा, कामिनी ने एक और चीज भी बोला था कि ये जो गंदी गंदी गालियां बोली जाती है ना, वो सब मेरे लिए ही बोली जाती है। तो आप समझ लोगी ये जो मुंह से कुछ अजीब अजीब जो चीजें निकलती है ना, तो वो सारी चीजें कामिनी के लिए निकलती है। मतलब कैमरे के पीछे उसको उन्हीं सारे शब्दों से पुकारा जाता है, उन्हीं सारी शब्दों से बुलाया जाते हैं जो कि ऑन कैमरा बोले जाते हैं। वो कामिनी अब तक समझ रही थी और कामिनी को बोलने वाले समझ रहे थे, एज अ ऑडियंस हम नहीं समझ पाते थे जब तक कामिनी ने आके वीडियो में बताया नहीं और क्लियर नहीं किया। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।